आवाज़ियों से मैं हूँ आकाश न्याजी। गुजरात के इलाका थाना सीवर लाइन के इलाका शादमान शेल पंप के करीब जो है, यहाँ पर सवारियाँ बैठाने पर एक रक्षा ड्राइवर के बेटू ने दूसरे रक्षा ड्राइवर पर गोलियाँ बरसा दी। ताहम जो रक्षा ड्राइवर था वो तो महफूज रहा, ताहम उसके रक्षा पर जो है फायर लगे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है थाना सिवा लाइन के इलाका में। थाना सिवा लाइन के इलाका में शाद बांध के करीब हम आपको बताते चले कि यहाँ पर फायरिंग का एक वाकया पेश आया। शौकत मसी जो कि बगदाद कलोनी का रहायशी है, इसने FIR दर्ज करवाई है एक और रक्षा ड्राइवर अलियास मसी और उसके बेटू के खिलाफ। इसका कहना है कि मैं यहाँ पर रक्षा में सवारियाँ बैठा रहा था तो दूसरा रक्षा ड्राइवर जो है अलियास मसी वहाँ पर आया, सवारी बैठाने पर हमारा आपस में तनाज़ा शुरू हो गया। तो ये कहना है शौकत मसी का कि मैंने अलियास मसी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद हमारी तो तकरार हुई और हम वहाँ से चले गए। मगर तकरीबन 4:30 शाम के अलियास मसी के दो बेटे जो हैं, जिनमें अब्बास मसी और बकास मसी जो हैं, वो दोबारा यहाँ पर आए। उस वक्त भी मैं सवारियाँ बैठा रहा था तो दोनों ने मुझ पर सीधी फायरिंग कर दी। मैं दोनों की फायरिंग से महफूज रहा, ताहम मेरे रक्षा को जो है एक गोली लगी है। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो शौकत मसी है उसकी मदयत में अलियास मसी और उसके दो जो बेटे हैं वकास मसी और अब्बास मसी के खिलाफ बजुर्ग 324 जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुल्तान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।